हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद मैं जो है ना व्लॉग कर रहा हूँ यार, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा जी आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ ज़रा कुछ शेयर वेयर करूँ। तो भाई ये है छोटा सा आपके भाई का ऑफिस का सेटअप। तो ये आपके भाई ने अभी रखा है, फिलहाल कुर्सी चेयर्स वगैरह अभी नहीं आई हैं तो अभी इसी से गुजारा कर रहे हैं। पहले मैं इसको लगाता हूँ ट्राईपॉड पे ताकि मैं इजीली आपके साथ कन्वे कर सकूँ, तो वेट करो। अभी तक मैं यूज़ कर रहा था एप्पल वॉच 5, ठीक है, जो कि है 44 mm, जिसका आप साइज देख सकते हो। ये है जी नाइकी सीरीज वर्जन। अभी मैंने रिसेंटली बाई की है, वो की है ये, जो कि है एप्पल वॉच 10 सीरीज, और ये है 46 mm, और ये दोनों GPS सेलुलर वाले जो है मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर सिम नहीं डलती, या आपके मोबाइल के वाईफाई के साथ, या आपका घर पे अगर वाईफाई हो तो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, कहीं भी वाईफाई हो। इसके ऊपर जो है हमने लगाया है स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह, ठीक है। तो मुझे तो कोई इतना कोई खास इतना फर्क लगा नहीं। वैसे लोग बोलते हैं यार जी बड़ी अच्छी है, तो मुझे तो भाई अपनी नाइकी सीरीज के अंदर भी बड़ा मजा आ रहा था, खैर। बट ये हो गई दो चीजें। और अभी फिलहाल आपने कंप्यूटर टेबल वगैरह तो देख ली, सेटअप वगैरह, नीचे स्पीकर लगाए, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रिंटर वगैरह, ये मेरे गिम्बल वगैरह आ गए, कैमरा वगैरह भी रखा हुआ है, आंटी मेरी ऑस्मो पॉकेट वगैरह भी रखी है जिसका यूजेज हम बाद में करेंगे, माइक वगैरह सब चीजें हैं इस कमरे में। ये लेकर आया हूँ मैं फोटो फ्रेम, ठीक है। इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार प्लीज यार कुछ चीजें लिया पाकिस्तान से, तो उस बेचारे ने मेरे लिए ये लेकर आया था, वो थी 4 कुल। मैं जब तक इसको डालता हूँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का लग रहा है। हाँ जी, तो फाइनली हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। और अल्लाह ताला बरकत दे मेरे दोस्त को, उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी दुआएं, ये अल्लाह पाक उसको हमेशा हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन स्वामी। और देखो जी फाइनल रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखें चेक करें कैसा लग रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त ना। और ये 3 थे लेकिन एक मैंने चूज किया कुल इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे बॉर्डर फ्रेम था या साइडों पे भी था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था कि इसके अंदर ये लग के कैसा लगता है, तो इजीली ये सेटल हो गया अंदर। तो अब इसको इंशाल्लाह भी फिलहाल अभी देखेंगे, सोचेंगे कहाँ रखें। वैसे मेरा मूड है कि इसको लगाएं तो अच्छा लगेगा, बट देखते हैं कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये रूम जो है बेसिकली मेरा काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरा पाकिस्तान की तरह ऑफिस नहीं है, मुझे सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता है, तो मेरा मैकबुक यहाँ पे है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इजीली अपना सारा काम जितना भी होता है मैं सब अपना मैकबुक पर कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी इस कमरे में मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी ये भी जा नमाज, ठीक है, और हमारा किबला भी बिल्कुल इसी तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कार्टूनिश पिक्चर वगैरह कोई इस तरह की नहीं रखी है। तो ये कि आराम से बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँगा कमरे को, यहाँ पे इसके नीचे LED लाइटें वगैरह लगानी है, वो तो मैं आपको बाद में आराम आराम से चीज़ें दिखाऊंगा। तो फिलहाल बस आज के लिए ब्लॉग ये था, मैंने कहा यार चलो अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर करूँ, तो यार एंजॉय करना और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सन एंड पेंशन, अस्सलाम वालेकुम।